हेलो व्यूअर्स, ये है मेरा विंडो गार्डन चैनल। आज मैं आपको पिटूनिया प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, मैंने नर्सरी से पिटूनिया के प्लांट खरीद के लाया हूँ। ये सब वेरीगेटेड पिटूनिया के प्लांट्स हैं, जो आपको दिखाई देगा होगा गार्डन में और नर्सरी में, के एक फूल के पत्ते में डबल कलर होता है। तो यही है वेरीगेटेड पिटूनिया के प्लांट। नर्सरी वालों ने कहा कि ये है वेरीगेटेड पिटूनिया के प्लांट, बाई कलर के प्लांट। तो ये फ्लावर प्लांट मैं आज ये छोटे छोटे पॉट में आप दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे पॉट में है ये। मैं अब इसे आपको मिट्टी में कैसे ग्रो करता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, और ये देखिए, मैं अभी इसे ज़्यादा बड़ा पॉट में नहीं दूंगी। ये जो 3 इंच का पॉट है, इसमें मैं अभी इसे ग्रो करूंगी। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे बड़े पॉट में दूंगी। तो मैं आपको सॉइल मिक्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल जो मैंने ज़्यादा ही लिया हूँ, और उसमें मैं सैंड, जो रिवर्स सैंड होता है एकदम, इसे मिलाऊंगी। क्योंकि ये जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं एकदम बारीक से होते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको एकदम सॉइल एकदम भुरभुरा सा, एकदम ऑयल ड्रेन होना चाहिए, जिसमें इसकी रूट अच्छे से डेवलप हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है 50% गार्डन सॉइल, और यह है 30% सैंड, और यह है वर्मी कंपोस्ट 20%। इसको मैं मिला के ये चारों पॉट में मैं दूंगी। चारों पॉट में दे के मैं ये पिटूनिया के प्लांट्स को मैं अब लगा के आपको दिखाता हूँ। स्टे विथ मी। तो देखिए, मैं ये सॉइल को मिक्स करके एक ऐसे पॉटिंग मिक्स बना रहा हूँ, जिससे अभी तो ये पौधा एकदम छोटा है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। ये मिट्टी में अच्छे से ग्रो करेगा। जब इसकी रूट डेवलप हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये 10-12 दिन में ये अपना ग्रो कर लेगा, तब मैं आपको मैं इसकी सॉइल कैसे बड़ा पॉट में देता है और उसके अलग से फर्टिलाइजर होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मैं इसे इस पॉट में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं ये पॉट लिया हूँ, जिसमें मैं इसके भीतर देखिए ये टूटे पॉट के टुकड़ा इसमें दे रहा हूँ, जिससे इसकी सॉइल मिट्टी बाहर ना चला जाए। अब मैं आपको ये पौधा निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है उसकी रूट्स देखिए कितने अच्छे, इसके गार्डन सॉइल में जो नर्सरी में ये क्या है, कितने अच्छे से इसकी रूट्स एकदम पूरा बाहर निकल आया है। तो मैं इसे अब इस पॉट में दे दूंगी। देखते रहिए फ्रेंड्स। ज़्यादा इसको ज़्यादा मिट्टी को एकदम अलगा से, एकदम बेबी प्लांट है, अगर इसमें रूट अगर इसकी ना इसकी कुछ डैमेज हो, ऐसे मैं इसकी अलगा करके इसमें मैं बिठा देता हूँ। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एकदम बेबी सा प्लांट है, इसलिए इसे टैप करने से ही होगा। ऐसे टैप करने से ये मैं इसको अब मिट्टी में सेट कर रहा हूँ। एकदम मैं भुरभुरा मिट्टी लिया हूँ, एकदम
मैं मिट्टी को चालनी से चाल के एकदम भुरभुरा कर लिया है, क्योंकि ये प्लांट के रूट्स बहुत ही एकदम रुई की तरह एकदम पतले धागे की तरह है। अब इसकी रूट्स ज़्यादा मोटे नहीं हुए हैं, इसलिए इसे ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। और इसे हमारा यहाँ पर बहुत चिड़िया है जिसको जिसे ये पत्ते खा जाता है, तो मैं इसे नेट से कवर करके रखूँगी और शाम को इसे घर में अंदर लेके आऊँगी, बाहर सुबह बाहर ले जाऊँगी। ऐसे ऐसे करके जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसके पत्ते चिड़िया नहीं खाएगा, इसलिए मैं ऐसे करके इसे देखभाल करना होगा, फिर ये अच्छे से फ्लावर देगा। अगले साल मैं बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से फ्लावर हुआ है। इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी वही अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो मेरे प्लांट्स, देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा प्लांट्स, और ये पिटूनिया जब बड़ा होगा तब मैं इसका अपडेट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, वो पिटूनिया जब 15 दिन के बाद इसकी ये हुआ है इसकी ग्रोथ, और ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी पत्ते बड़े हो गए हैं, हर प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसके चारों तरफ से लीव्स भी निकल रहे हैं। तो मैं इसे अब हैंगिंग पॉट में दूंगी, जिसके मैं बनाया हूँ। ये देखिए ये हैंगिंग पॉट्स, देखिए ये है घर के ही मेरे पुराने प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उसमें मैं ये तार लगा के ऐसे हैंगिंग पॉट बनाया हूँ। ऐसे चार मैं बनाया हूँ, ऐसे ये दो बनाया हूँ, और ये भी दो बनाया हूँ। जो घर में जो खाना आता है बाहर से, उसी पॉट में मैं इसकी होल बना के मैं इसमें दो दो बनाया हूँ। अब जो मैं मिट्टी बनाया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है, एक पार्ट मैं गार्डन सॉइल लिया हूँ और एक पार्ट मैं ये है कोकोपीट, कोकोपीट के ब्रिक्स है जो मैं इसमें दिया हूँ ज़्यादा, और एक पार्ट काउडंग कंपोस्ट और एक पार्ट सैंड, ये सब मिला के मैं ये एक सॉइल मिक्स बनाया है। इसके इसके 15 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देता रहूँगा इसकी अच्छे ग्रोथ के लिए। तो अब मैं इसमें पॉट्स में डाल के आपको दिखाता हूँ जी, कैसे ये पौधा कैसे इसमें जाएगा। स्टे विथ मी। एक ट्रे में मैंने पौधा को अभी रखा है, जस्ट मिट्टी देके, और एक पौधा को मैं रखूँगा यहाँ से, देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पौधे को कैसे पॉट में शिफ्ट कर दिया, और इसमें भी दिया मैं। अब मैं इसी तरफ भी मैं ऐसे करूंगी, ऐसे दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे इसमें पॉट को, ये हैंगिंग पॉट में दिया हूँ पिटूनिया के प्लांट को, और एक वो इसको मैं हाथ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ठीक, फिर भी ये बहुत, यहाँ पर धूप आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है यहाँ पर। अब देखिए मैं इसमें मिट्टी दे रहा हूँ, ऐसे मुझे कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। फ्रेंड्स ये देखिए सुबह मैं इसकी तस्वीर ले रहा हूँ, ये देखिए ये जो मैंने पिटूनिया
कल शाम को मैंने लगाया था, वो देखिए और एक ये पे मैं इसे विंडो के बाहर ऐसे किया और दो जो मैंने किया वो ये है, एक देख रहे हैं फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे ये पिटनिया के प्लांट्स मैंने लगाए थे पॉट में, वो कैसे इसमें लग रहा है सुबह की धूप वालों में, ये थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा, बहुत दूर है इसलिए ये अलग है। और ये दो तो मैंने आपको इसकी अपडेट बाद में दिखाऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।